बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरों का आगाज करेंगे हेडलाइन से। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में 27 दिन रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर में अफगान बाशिंदे मुलव्वस होने की तस्दीक। 24 कार्रवाइयों में से 14 अफगान दहशतगर्दों ने की। कलदम TTP को अफगान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही हासिल। चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगान फौजी की बिला इश्तियाल फायरिंग। 12 साल बच्चे समेत दो पाकिस्तानी जां बहक। पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा। गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाई पर पाकिस्तान का अफगान हुकाम से राबिता। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत का अहम फैसला। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत मुख्तलिफ दरामदी अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद। चॉकलेट, जूते, मुख्तलिफ मशीनरी, कंबल, घरेलू टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल। 3 अक्टूबर से पहले आने वाले सामान पर यह टैक्स का इतलाक नहीं होगा। इंटरबैंक में रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर की कदर में 1.07 रुपये की कमी। कीमत 284.68 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की दिलचस्पी। इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा। 47,079 पर बंद। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। जमात की तरफ से इस्तकबाल की तैयारियां। साबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम लेने वापस नहीं आ रहे। हमारी सियासत का महवर मुल्की मसाइल को हल करना है। मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने मुल्क कौम की खातिर कुर्बानियां दी। 2018 में साजिश के जरिए हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज मुल्क तरक्की के जीने तय कर रहा होता। शहबाज शरीफ का खिताब। नवाज शरीफ का बयानिया और पैगाम तकरीर नहीं, ये अमल का पैगाम है। हमने माजी में करके दिखाया है। मौशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क में किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामे के बहाने नाअहल करने की पाकिस्तान ने कीमत अदा की। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गाली की बजाय दलील से जवाब देना हमारी सियासत है। हम सबको मिलकर मुल्क को मजबूत बनाना है। अवामी हुकूक के लिए हमारी जमात की जद्दोजहद की एक तारीख है। 9 मई की मुल्की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का पेशावर में खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का ऐलान। 13 अक्टूबर को झंग में जलसा होगा। मुल्की इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ की फराहमी हमारा एजेंडा है। दहशतगर्दी और स्मगलिंग की रोकथाम और माशी इस्तेहकाम के लिए काबिशें काबले ततायश हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं हुए। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। PTI में एक ग्रुप टकराव चाहता था। इन लोगों ने मुफाहमती पसंदों को पीछे धकेल दिया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी हुई। साबिक मुआवन खसूसी उस्मान डार का निजी TV को इंटरव्यू। अवामी नेशनल पार्टी आइन कानून और जमहूरियत पर यकीन रखती है। जमहूर के फैसलों के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए तरीकाकार मौजूद है। सरबरा ANP असफन यारवली। कराची के असल वारिस वापस आ गए। सियासी मुखालफीन की नींदें उड़ा देंगे। मलीर से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम पूरे सिंध में आगे बढ़ाएंगे। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब।
माशी मुश्किलात और महंगाई इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। आलमी इदारों की सख्त शराइत ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए। अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए इकदाम की जरूरत है। उम्मीद है शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन का इनका यकीनी बनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पेशी। 9 अक्टूबर की समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला। कराची मेट्रोपॉलिटन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान वाजिबात की अदायगी का मामला। सुप्रीम कोर्ट का दोनों इदारों को तस्फीए का मशवरा। सालिस का नाम तजवीज करने की हिदायत। कराची अंधेरे में डूबता है तो उसके सियासी असरात भी होंगे। बेहतर होगा मेयर कराची को एतमाद में लेकर मामलात को हल कर लिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। आइंदा समाअत 12 अक्टूबर को होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी कोलगाम में मजीद दो नौजवानों को शहीद कर दिया। काबस फौज की तलाशी और मुहासे की कार्रवाइयां। इंतकामी इकदाम से कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। बरतानिया का सियासी पनाह की मुतलाशियों के लिए होटल्स बंद करने का इंदिया। तारिकीन वतन के तूफान का सामना है। फैसला कुल इकदाम न किए तो इस चैलेंज पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। गैर कानूनी तौर पर आने वालों को अब पनाह नहीं मिलेगी। बरतानवी वजीर दाखिला। साजिश का इल्जाम ना ही कोई बयानिया। अमरीकी कांग्रेस में पहली बार स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। केविन मकार्थी के खिलाफ उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी के 8 अरकान ने भी वोट दिया। अपने फैसलों पर अफसोस नहीं। स्पीकरशिप के लिए दोबारा मुकाबले का कोई इरादा नहीं। केविन मकार्थी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी खलाबाज नुमैरा सलीम 6 अक्टूबर को खलाई सफर के लिए रवाना होंगी। गैलेक्टिक 4 के जरिए फजा में जाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होंगी। नुमैरा सलीम की खला में रवानगी से कबल ट्रेनिंग में शिरकत। निगरान वजीर आजम का नुमैरा सलीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तानी खवातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतें मनवाते हुए कौम का सर फखर से बुलंद कर रही हैं। अनवारुल हक काकड़। One day you're gonna be kings on the black, ready or not, machega sure, sure, our team is hardcore, you gotta be more, sore, like got to pura khele ja, आईसीसी वर्ल्ड कप का कल से भारत में आगाज। मेगा इवेंट 19 नवंबर तक जारी रहेगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अहमदाबाद में मुकाबले होंगी। मैच दिन 1:30 बजे अहमदाबाद से देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमे को नीदरलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। वर्ल्ड कप में शरीक 10 टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। कप्तान कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। सुनहरी मौका है कि 100% कारकर्दगी दिखाएं। बाबर आजम। न्यूयॉर्क में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत की पावर बॉल ड्राइंग के चर्चे। लॉटरी टिकट के लिए खरीदारों की लाइनें। जैकपॉट जीतने के इम्कान 29 करोड़ में से एक है। 19 जुलाई से जैकपॉट ड्रॉ का कोई इनाम याफ्ता नहीं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में 27 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान न छोड़ने वालों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। मुल्क में दहशतगर्दी की गुज़श्ता 24 कार्रवाइयों में से 14 में अफगान बाशिंदे मुलव्वस थे। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए रिजवान आरिफ की। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की मुख्तलिफ वाकियात में तस्दीक हुई है। दहशतगर्द नेटवर्क को
कलअदम तंजीम TTP और अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही हासिल है। इस बात का सबूत ये है कि सिर्फ चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में दहशतगर्द हमले में 5 कलअदम TTP अफगानी दहशतगर्द मुलव्वस थे। 12 जुलाई 2023 को ज़ोब कैंट पर दहशतगर्दों के बुजदलाना हमले में भी 5 में से 3 अफगानी थे। 30 जनवरी 2023 पुलिस लाइंस पिशावर और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए। बंदूक के जोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसलत करना चाहता है, पाकिस्तान आईन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। इंसदादे दहशतगर्दी मालाकंड रीजन ने एक अहम कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए जिला बोनेर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मतलूब 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाकयात हुए हैं, इनमें देखने में आया है कि बेशतर दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस रहे हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक तर्ज अमल है कि हमारे अफगान भाई जिन्हें हमने कई अशरों से रखा और इज्जत दी, वो मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी की वारदातें करें। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके हैं। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से आईनी हाथों से निमटा जाएगा। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में पाकिस्तान की मदद करें। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगान फौजी की बिलाश्ताल फायरिंग से 2 पाकिस्तानी जांबहक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग का यह वाकया जीरो लाइन पर दोस्ती गेट पर पेश आया है। इस वाकये में एक बच्चा जख्मी भी हुआ है। पाकिस्तानी दस्तों ने इंतहाई तहमुल का मुजाहरा किया और जांबहक शहरियों के जसद खाकी और जख्मी बच्चों को GHDHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से इश्तियाल अंगेजी का मामला उठाते हुए मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा किया है। उधर उबूर अफगान हुकूमत ने इस तवक्को का इजहार किया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। पाकिस्तान मस्बत तामीरी दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमन, खुशहाली, तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाकयात से खलूस नीयत और बामकसद निकात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। उधर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत मुख्तलिफ दरामदी अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने का फैसला किया है। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FBR ने अफगान ट्रांजिट अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने का SRO जारी कर दिया। हुकूमत ने कुछ अशिया पर प्रोसेसिंग फीस भी आयद की है, जिनमें कन्फेक्शनरीज, चॉकलेट, जूते, मशीनरी, कंबल, होम टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निगरान हुकूमत के फैसले का इतलाक 3 अक्टूबर से पहले आने वाले सामान पर नहीं होगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दीगर मुल्कों से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने और वहां से आने वाले सामान की गैर कानूनी तरसील करने वाले अफराद की बदौलत पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, जिसे रोकने के लिए प्रोसेसिंग फीस के फौरी निफास का फैसला किया गया है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और इंटरबैंक में रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर की कदर में 1.07 रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी 323 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,079 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद। माह सितंबर में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 रुपए की कमी, जबकि अक्टूबर के महीने के आगाज पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए की कमी वाकई हुई है। और इस तरह मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत 52 रुपए की कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद 282 रुपए, जबकि कीमत फरोख 284.08 रुपए पर आ गई है। इसी तरह सितंबर 2023 तक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 19 रुपए से ज्यादा की कमी हुई और माह अक्टूबर के आगाज पर डॉलर की कीमत में 4 रुपए से ज्यादा की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284.68 रुपए पर आ गई है। इसकी प्राइस क्या है? तो वो 250 to 260 रुपीज के दरमियान है, जो हमने हुकूमत के साथ मिलकर एक टारगेट सेट किया है। जब ये लेवल आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसका दूसरा लेवल जो है ना सेट करेंगे। जो रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, आपके इनफ्लोज भी बढ़ रहे हैं। बहुत अरसे के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट जो है ना इंटरबैंक से नीचे आ गई है और एक्सचेंज कंपनियां तकरीबन
$35 से $40 मिलियन इंटरबैंक में सरेंडर कर रही है बहुत अरसे के बाद। माहे सितंबर में ही पाकिस्तानी रुपए में इस्तेहकाम देखा गया और बैन अल-अक़वामी इदारे ब्लूमबर्ग ने हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को सराहा और पाकिस्तानी करेंसी ने आलमी सतह पर एजाज हासिल कर लिया। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स ने 323 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। माह सितंबर में अब तक स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा और इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, वो जो एक मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन होती है वो नजर नहीं आ रही। करेंसी में भी ऐसे ही आप देखिए कि ग्रेजुअली नहीं आ रहा है। डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मुसलसल कम हो रही है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी से कर्जों की अदायगी के तवाजुन में भी कमी हो रही है। जुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी, उनकी जमात की तरफ से इस्तकबाल की तैयारियां जारी है। साबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों से खिताब में मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ किसी से इंतकाम लेने नहीं बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का महवर मुल्की मसाइल को हल करना है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुल्क को कौम की खातिर कुर्बानियां दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि 2018 में साजिश के जरिए हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज मुल्क तरक्की के जीने तय कर रहा होता। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मेगा तरक्याती मनसूबे नवाज शरीफ का एजाज है। अवामी मसाइल का हल और अवामी फलाह अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। 21 तारीख को नवाज शरीफ अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान वापस आ रहा है और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इख्तदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है इस मुल्क के गरीबों और यतीमों के लिए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी अहम संगमील की हैसियत अख्तियार कर गई है। नवाज शरीफ का बयानिया और पैगाम तकरीर नहीं, अमल है और हमने माजी में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामे का बहाना बनाकर नाअहल किया गया जिसकी मुल्क ने भारी कीमत अदा की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निजात दिलाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हमारी जमात मुल्क में बरवक्त इंतखाबात के हक में है, मुल्क में आम इंतखाबात का शेड्यूल आना चाहिए। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे, अवाम मनफी प्रोपेगेंडे पर कान न धरे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक हुकूमत की लेकिन सूबे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी ही पेश कर सकती है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी भी मुल्की इदारे के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। इससे पहले पार्टी के डिजिटल विंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की आदत कारकुनों तक रसाई के लिए सोशल मीडिया विंग को मजीद मुतहर्रिक करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मस्बत तशख्स उजागर करें। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने एक ट्वीट में कहा है कि जो लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं कभी वो हल्के की हलबंदी, कभी सर्द मौसम और कभी माशी मुश्किलात का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो इक्तदार में आकर रोजगार देंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो गरीबों को रोजगार फराहम करती है। पीपल्स पार्टी आवाम को दरपेश सियासी, समाजी और माशी चैलेंजेस के हल के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं कि इंतखाबात के निकाद से ही मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। बरवक्त इंतखाबात का निकाद वक्त की अहम जरूरत है। पीटीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया।
पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी, आवाम के पास जाएगी, ये तमाम चीज़ें देखिए इंतहाई अहम है। और ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये इंतहाई अहम होंगे पाकिस्तान के लिए। इलेक्शंस होना, बर वक्त होना, फ्री एंड फेयर होना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हमें एक नया मिसाक मईशत बनाना है, पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के वसाइल हैं और ज़खायर हैं, हमें इसको सही इस्तेमाल करना है, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे भी काम कर रही है और नए प्रोग्राम्स भी लेकर आएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें ताकि ये तमाम चीज़ें सामने आएँ, ताकि आवाम को मालूम हो कि कौन सी पार्टी क्या चीज़ ऑफर कर रही है और वोट किसको देना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक मुआवन खसूसी उस्मान डार कहते हैं कि 9 मई के वाकयात अचानक नहीं हुए, चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई में एक ग्रुप टकराव चाहता था, इन लोगों ने मफाहमती पसंदों को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी हुई। 9 मई का जो वाक़या है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ, जब मरकज़ में हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ दो माइंडसेट कह लें या दो ग्रुप कह लें, एक वो माइंडसेट जिसमें मुराद सईद आज़म सवाती, माज़ अज़हर, फारूख भी, हालांकि मेरे दोस्त हैं सारे, वो टकराव थे, ये हाँ ये एंटी फौज जी जी, और टकराव टकराव की सियासत को सपोर्ट करना। जैसे असद उमर है या उमर अयूब है या अली मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं, शफ़ी महमूद साहब भी थे, मैं खुद भी था, जो कि मुफाहमत की रास्ते की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, इमरान खान साहब जो मुराद सईद या जैसे माजम स्वाति साहब की बात कर रहा हूँ, इस माइंड सेट को जो टकराव का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इवन इस हद तक बात की गई कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया। इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वहाँ डिस्कस होता था ना मीटिंग में, इमरान साहब मौजूद, हाँ खान साहब थे, हम सब बैठे होते थे, उनकी सोच यही थी कि शायद टकराव से या प्रेशर बिल्डिंग से हम कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच एक टकराव वाली थी। उस ग्रुप का जो बयानिया था, मैं समझता हूँ विदन पार्टी प्रिवेल करता जा रहा था और इमरान खान साहब उस पॉलिसी को या उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे थे। उस्मान डार की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की, अभी आपको आगाह करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 13 अक्टूबर को जंग से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि निगरा हुकूमत और आर्मी चीफ के मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए भरपूर इकदामात काबिले सताइश हैं। उन्होंने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के फैसले बेहतरीन हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से कमेटी का फैसला नहायत अहसन इकदाम है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हमारी जमात का मकसद मुल्क को मुस्तहकम करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची को लूटने वाले परेशान हैं कि कराची के असल वारिस वापस आ गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मुखालफीन की नींदें उड़ा देंगे। कराची के इलाके मनीर में गवर्नर मीटिंग में कारकुनान से खिताब में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इतवार को एमक्यूएम पाकिस्तान का कामयाब जलसा मुनक्किद होने पर कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज मनीर के इलाके से किया है और अब हम पूरे सिंध में इलेक्शन मुहिम को बढ़ाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असवंद यार वली खान कहते हैं कि उनकी पार्टी एक जमहूरी और सियासी जमात है। आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए सूबाई सतह पर बाइख्तियार और आईनी पार्लिमानी बोर्ड मौजूद है। एक बयान में उन्होंने कहा कि टिकटों के हवाले से शिकायत और अपीलों के लिए सूबों के एपलेट बोर्ड पार्टी के आईनी इदारे हैं। एएनपी के सरबरा का कहना था कि पार्टी आइन और दस्तूर का इतलाक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और कारकुनान पर यकसा होता है। उनका कहना था कि तहफ़ुज़ात के लिए मुतल्लिका फोरम्स के बजाय सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स का इस्तेमाल नामुनासिब है। तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान पार्टी आइन पर अमल दरामद को हर सूरत में यकीनी बनाएं।
अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शफाफ इंतखाबात मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ मौसर इकदाम से ही आवाम को फौरी रिलीफ मिल सकता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इलेक्शन में इल्तवा की वजह नहीं देख रहे, उम्मीद है निगरान हुकूमत मुल्क में बरवक्त और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएगी। और पार्टी कायद नवाज शरीफ की आमद की हवालगी से लीगी रहनुमाओं की जानिब से जेहलम में एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक अता थारड़ समेत मकामी कयादत ने शिरकत की। अवामी इज्तमा से खिताब करते हुए मुस्लिम इग्नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 2018 में साजिश के तहत एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, मुस्लिम इग्नून ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि जेहलम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। कौम ये फैसला करे कि उन्हें बहरूपिया चाहिए या मुदब्बर, कौम ये फैसला करे उन्हें नफरत फैलाने वाला एक पाकिस्तान में बाल ठाकरे चाहिए या मुल्क और सूबों को जोड़ने वाला एक नवाज शरीफ चाहिए, ये कौम ने फैसला करना है। अगर कौमी इत्तेहाद पैदा न किया गया, अगर मुल्क में अदारों और सियासी जमातों के माबैन बैलेंस क्रिएट नहीं किया गया, अगर मुकालमा नहीं किया गया, एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। साबिक वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लाहौर में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क्यादत में मुस्लिम लीग ने हर दौर में मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला और तरक्की की राह पर गामजन किया। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि हमारी क्यादत ने नारों के बजाय अवामी फलाह के लिए अमली इकदाम किए। और कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे और अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम इग्नून हमदा शहबाज शरीफ ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को जिस मसीहा की जरूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। 21 अक्टूबर कायद के इस्तकबाल का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर और अवामी रेफरेंडम का दिन साबित होगा। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि इस वक्त आवाम के फौरी रिलीफ के इकदाम होने चाहिए, पेट्रोल अशय खुर्दनोश बेरोजगारी का खात्मा होता ताकि आम आदमी की जिंदगी आसान हो सके। उधर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन से ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मिसाली है और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों मुल्कों की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। जमीयतुल्लाह इस्लाम फेस सुबह सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरू कहते हैं कि 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कश्मीर तक कराची तारीखी अमन मार्च मुनक्किद करेंगे। कराची में इजलास से खिताब करते हुए अल्लामा राशिद महमूद सोमरू ने कहा कि JUI सूबे में मुतबादल क़यादत के तौर पर उभर कर आ रही है और इंतखाबात में हम अपने सियासी मुखालिफीन का सख्त मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम गुज़श्ता 15 बरस से सूबे पर मुसल्लत करप्ट हुक्मरानों का रास्ता रोकने के लिए अमन मार्च में हमारा साथ दें। अडियाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुर्कुनैन ने की। मुकदमे के मुलजमान वकला सिफाई प्रोसिक्यूटर और FIA की टीम समाअत के लिए अडियाला जेल में पेश हुई। ट्रायल रोकने से मुतालिक मुलजमान के वकला की दरखास्त मुस्तरद करते हुए जज ने कहा कि इस हवाले से हाईकोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं। अदालत ने केस चालान के नकूल की फराहमी के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत की। अदालत आलिया ने दरख्वास्त निपटाते हुए फैसला दिया है कि यह समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिसेस के खिलाफ फवाद चौधरी, असद उमर और चेयरमैन PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जस्टिस आलिया नीलम के सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कौम की तरक्की में खवातीन का फाल किरदार हमेशा कलीदी अहमियत का हामिल रहा है। सिन्फी मसावात जैसे जरी उसूल अपनाकर खुशहाली के अहदाफ का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है।
तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। राइजिंग वुमेन वॉइसेज ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खवातीन को बा इख्तियार बनाकर ही माशरे में उनकी शमूलियत बढ़ाई जा सकती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की निसफ आबादी को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम किए जाएं तो पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारी आबादी का निसफ हिस्सा है अगर उसको आप आइसोलेट करके रखेंगे तो तरक्की के रास्तों के अंदर बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो एक चेंज ये आया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ख्वातीन की असेंबली के अंदर भी फिक्स हुई। पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी अच्छी चेंज आई जिसके अंदर हरासमेंट का मुहतसिब बना। हालात मौजू हैं और औरत को काम के लिए निकलना चाहिए। लेट द मार्केट वर्क ऑल्सो। वी डोंट नीड एड फॉर चेंजिंग आवर एटीट्यूड्स। विदाउट टेंजिबल गोल्स फॉर यू नथिंग विल चेंज। एंड इफ यू चेंज दिस The destiny of Pakistan itself will change remarkably. सदर मुमलिकत ने कहा कि ब्रेन ड्रेन और खवातीन के ड्राप आउट जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए जरूरी है कि मुल्क में रोजगार के मौके को वुस्त।